लागी का मार्ग ओर है, लगे चोट काल जा करके। क्योंकि हर इंटरव्यू में ये लिखा था कि परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। तो हमने सोचा जब परमात्मा आए हुए हैं जो सभी की समस्याएं हल हो रही, तो हमारे ऊपर भी समस्या है तो हमारी भी समस्या हल हो जाएगी। नमस्कार सर। सत साहब जी, क्या नाम है सर आपका? पंचू दास। सर कहाँ से हो सर आप? सर गांव माधोपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है दास। सर नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब ली? 6 अगस्त 2010 में गुरु जी की कृपा हुई थी दास के ऊपर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो बहुत सारे लोगों को, भक्तों को लाभ होते, सर आपको भी ऐसा कोई लाभ हुआ है सर? जी सर, दास के ऊपर जो मालिक की कृपा हुई है इसको मैं थोड़ी विस्तार से बताऊंगा। 2005 से दास खेती का काम करता था और खेती के साथ साथ में 2005 से LIC का एजेंट था। LIC का काम सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसी समय 2009 के लास्ट में कुछ ऐसे लोग दास के संपर्क में आए जिन्होंने लालच दिखाया और झूठी जो चिट फंड कंपनी होती हैं उनके बारे में बताया। तो उस कमीशन की लालच में दास ने जो है उसमें लोगों का पैसा जमा करवा दिया और उसमें लगभग 30 लाख रुपए जमा करवा दिया। वहाँ से दास को एक आल्टो कार भी पुरस्कार में दी गई थी और वो कंपनियाँ 6 महीने में 30 लाख रुपए लेके सभी लापता हो गईं, कंपनियाँ सब भाग गईं और जो लोकल के लोग थे उन्होंने दास को बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। इतनी परेशानी हुई कि मतलब लोगों ने झूठे केस लगा दिए और जो भी जिनके पैसे जमा थे तो वो लोग मतलब बोले कि चाहे मतलब अपनी ज़मीन बेचो चाहे घर मकान बेचो और हमें पैसा चाहिए। तो दास तो पहले से भी मतलब जब परमात्मा से नहीं जुड़ा था, इसके पहले भी मतलब ऐसी कोई भावना नहीं थी, ना किसी के साथ छल कपट किया, ना कोई धोखाधड़ी, मतलब ये उद्देश्य था कि मेहनत करके पैसा कमाना है। लेकिन ऐसा करके जब ये समस्या आ गई तो मतलब जितना पैसा कमाया था कमीशन का वो, और जो 4 व्हीलर मिली थी वो भी बेच दी, 2 व्हीलर थी दास के पास वो भी बेच दी, ये सब बेच बाज के लोगों का जो ज़्यादा परेशान कर रहे थे उनका पैसा दिया दास ने। लेकिन उतने पैसे से क्या होना था, पैसा था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मतलब पैसा कितना था सर बहुत ज़्यादा? ऐसा सर 3-4 कंपनियों में मिला के 30 लाख रुपए चला गया था दास के हाथ से, और जो कमीशन मिला था और जो 4 व्हीलर मिली थी इन सबको बेच बाज के मतलब 5-6 लाख रुपये दे पाए थे। और इन परेशानियों की वजह से जो खेती का काम था वो भी नहीं कर पा रहे थे और जो मेन काम था LIC का वो भी बंद हो गया था क्योंकि मार्केट में जा नहीं पा रहे थे लोगों की वजह से। तो ये समझ लो कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था दास। इसी परेशानी में मतलब ग्वालियर में कुछ दोस्त थे दास के, तो उनके पास कुछ समय व्यतीत करने के लिए गए थे कि वहाँ पे आराम से मतलब कुछ समय निकल जाएगा। तो उस समय जब मालिक से नहीं जुड़ा था ये दास, तो जो है नशा, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब करता था दास। तो वहाँ पे जाके जिनके यहाँ पे ग्वालियर में जाके रुका मैं, तो उन्होंने बियर मंगवाई, तो मैंने बियर पी और खाना खाया। खाना खा के वो बोले कि मतलब आप लेट जाओ, उन्होंने बिस्तर लगा दिया और वो भी लेट गए। तो उनके वहाँ पे अलमारी में एक बुक्स रखी थी, भक्ति सौदागर को संदेश। जब वो बुक्स रात के लगभग 10 बज गए थे, तो 10 बजे जब वो किताब मुझे मिली तो उसमें पीछे लिखा हुआ था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये एक ही प्रश्न पढ़ के मतलब दास का पूरा नशा ख़त्म हो गया और मतलब ये लगा कि ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और आज तक के जो भी धर्मगुरु हैं ब्राह्मण हैं, क्योंकि दास का जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र से है तो वहाँ पर ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं और इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो वो उस प्रश्न की वजह से उसमें मतलब किताब पढ़ने की इच्छा हुई, तो हमने उनसे कहा कि भाई ये किताब पढ़ लें, तो उन्होंने कहा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, किताब तो हमें ट्रेन में कोई बेच रहा था 10 रुपये की ली थी हमने, तो मतलब हमारे तो काम की है नहीं। उन्होंने मतलब उस किताब का पेज भी नहीं पलटा था। तो उस किताब को पढ़ते पढ़ते और पूरी रात में पूरी किताब पढ़ ली हमने, ज्ञान समझ में नहीं आया, लेकिन पीछे कुछ भक्तों के उसमें इंटरव्यू लिखे थे, उन इंटरव्यू में पीछे ये भी लिखा था, मतलब मोबाइल नंबर भी दिया था, तो मोबाइल नंबर में ये लगा कि कुछ बात सत्य है, क्योंकि जो है हमारे साथ धोखा हो गया था, तो हमें तो लग रहा था कि ये किताब वाले भी कोई ठग ना हो और किसी प्रकार से फंसा लें, तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इंटरव्यू देखते और उसमें जो मोबाइल नंबर था तो सोचा कि मोबाइल पर बात करेंगे अगर कोई सत्यता होगी, क्योंकि हर इंटरव्यू में ये लिखा था कि परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। तो हमने सोचा जब परमात्मा आए हुए हैं जो सभी की समस्याएं हल हो रही तो हमारे ऊपर भी समस्या है,
तो हमारी भी समस्या हल हो जाएगी। तो सवेरे जब 5 बजे वो जिनके यहाँ रुके थे हम वो जगे, तो हम किताब पढ़ रहे थे, बोले आप सोए नहीं? हमने कहा नहीं हम नहीं सोए, हम तो किताब पढ़ते रहे और हमें ये किताब बहुत अच्छी लगी, अगर आप जी की इच्छा हो तो हम इसको मतलब ले जाएं साथ में। बोले हाँ ले जाओ, हमें तो किसी काम के नहीं है। तो उस किताब को लेके हम दूसरे दिन ही रिटर्न हो गए अपने घर के लिए। घर पर आके हमने उन इंटरव्यू में जो नंबर दिए थे उन पर बात की, तो वो सभी नंबर सही थे और सभी भक्तों से बात हुई। उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा आए हुए हैं और तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा, बस आप वहाँ पे जाके और जैसे वो बताएं वैसे करते जाना। हमने कहा ठीक है। तो उस समय ये स्थिति थी कि घर पे एक पैसा भी नहीं था, तो जो गेहूँ रखा हुआ था खाने का वो गेहूँ बेच के और उन्हीं से पता किया, क्योंकि हम झांसी से आगे कभी नहीं गए थे, ना हमने दिल्ली देखी थी ना हरियाणा देखा था कि कहाँ पर है। और इसके पहले हमने एक गुरु से दीक्षा भी ली थी, वो नकली गुरु से, तो उससे उपदेश लिया और उसी समय मन ख़राब हो गया, तो उसी समय छोड़ दी थी हमने भक्ति। अपने मनमुखी मंदिरों में जाना, हनुमान जी की पूजा करना और दुर्गा जी की पूजा करना, ये करते रहते थे। तो 5 अगस्त 2010 को एक भाई को साथ में लेके और हम हरियाणा के लिए रवाना हुए। हरियाणा में जब गए तो उस समय इतनी लत थी गुटखा खाने की, तो कम से कम 20-25 राष्ट्रीय हम साथ में लेके गए। ट्रेन में खाते गए और सोचा कि आश्रम के बाहर कहीं छुपा देंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस किताब में लिखा था कि उनसे उपदेश लेने के लिए मतलब ये सब चीज़ छोड़ना पड़ती है। तो 5 अगस्त 2010 को वहाँ से गए और 6 अगस्त 2010 को हम आश्रम पहुँच गए। आश्रम में वहाँ पे उन्होंने चेकिंग की गेट पे, मैन गेट पे, तो चेकिंग में सबको सुनने बाहर ही रखवा दिया, गुटका उटका कुछ अंदर नहीं गया। तो वहाँ पे जाके जब उपदेश लेने की बात आई तो उन्होंने 11 नियम की लिस्ट दी, नाम दीक्षा फार्म के साथ में रहते हैं वो नियम, तो उसमें मतलब नियम बहुत अच्छे लगे हमें। हमने कहा इसमें तो सिर्फ बुराई छोड़ना है और कुछ नहीं करना है, और बुराई छोड़ के अगर समस्या हल होती है तो और अच्छी बात है। तो हमने मतलब उन नियम बहुत अच्छे लगे, हमने कहा हम सब नियम निभा लेंगे और नियम पढ़ के हमने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद जब दास गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन में लगा और जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सामने आए, क्योंकि वहाँ का सिस्टम सतलोक आश्रम बरवाला का सिस्टम इतना अच्छा है कि ऐसा सिस्टम विश्व में कहीं पर भी नहीं है। वहाँ पर आश्रम में कितने भी अनुयायी हों, चाहे 1 लाख हों चाहे 2 लाख हों, गुरुजी सबके सिर पर हाथ रखते हैं और सबकी जो समस्याएं हैं सबकी समस्याएं सुनते हैं और सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। तो जब हमारा नंबर आया तो गुरुजी सामने आए, तो हमें तो वही समस्या थी, क्योंकि जिसको जो परेशानी होती है सबसे पहले वो उसी का हल चाहता है। तो गुरुजी सामने आए तो हमने प्रार्थना की, हमने कहा परमात्मा और हमारे साथ तो मतलब लोगों ने धोखाधड़ी कर दी और हमारे ऊपर 30 लाख रुपये का कर्ज हो गया और लोग हमें जीने नहीं दे रहे। तो हमने सोचा था कि गुरुजी नाराज़ होंगे कि तुमने ऊट पटांग काम किए अब यहाँ पे आ गए, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। तो मालिक ने कहा कि जो गया सो जाने दो, भक्ति करो परमात्मा और देगा। और इतना कह के गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा और आगे चले गए। तो आशीर्वाद लेके मतलब दास वापसी आ गया, लेकिन मतलब अब अपना अपनी तो जीव स्तर की सोच थी, तो सोचा कि परमात्मा कहाँ से देगा, हमारे पास खेती है, खेती में 10-50 हज़ार रुपये पैदा होते हैं और देना है 30 लाख रुपये, कैसे हो पाएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मालिक की जो वाणी है कि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, मालिक का वो वचन लेके आशीर्वाद लेके हम घर आए। और वो दिन है कि आज का दिन है, उसी दिन से जैसे हमारे चारों तरफ आग लगी थी, मतलब लोग जीने नहीं दे रहे थे, लोगों ने गुंडा भी लगा दिए थे मारने के लिए, केस भी लगा दिए थे। तो उसी दिन से जैसे परमात्मा ने जलती हुई आग में पानी डाल दिया हो, मतलब सभी माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। और जो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे थे उन्होंने मतलब सुनने के लिए वो समय देने लगे कि ठीक है भाई ऐसा होगा तो दे देना। ऐसा करते करते और दास ने जब उपदेश लिया गुरुजी से 2010 में, तो उस समय यहाँ पे छतरपुर जिला MP में बहुत कम भगत थे, तो इस वजह से मतलब दास को ज्ञान समझने में लगभग 1 साल लग गया था। 1 साल में 2-3 बार गलती की, गलती हो जाए तो मतलब गुरुजी से प्रार्थना करें और नाम सही करवा के फिर से भक्ति करें। ऐसा करते करते 1 साल में मतलब अंदर से दृढ़ विश्वास हुआ कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, जब ज्ञान समय आ गया। और दास ने जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति दी थी सत्य भक्ति, उस भक्ति को 2.5 साल किया। 2.5 साल के बाद परमात्मा ने ऐसी स्थिति बनाई कि उन भागी हुई कंपनियों में से एक कंपनी का पता चला उनके ऊपर और लोगों ने केस लगा दिया, और केस लगाने के बाद उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया और बोले कि आप लोग मतलब जो हम लोग MP से थे उन्होंने कहा कि तुम लोग हम पर केस नहीं लगाना, क्योंकि उनके ऊपर केस लगाया था राजस्थान भरतपुर वालों ने, उन्होंने कहा तुम केस नहीं लगाना तो फिर से जेल हो जाएगी। तो बोले हम तुम्हारा मूलधन देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा मूलधन ही तो मांग रहे हैं, हमें ब्याज नहीं चाहिए, मूलधन में दे दो आप हमारा। तो उन्होंने हमें बुला के हमारे साथ और 8-10 एजेंट गए,
तो वो जो साथ में गए थे वो लोग इस प्रवृत्ति के थे कि मतलब वो सोचते कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम खींच लें, लेकिन परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की दास के ऊपर क्योंकि परमात्मा को दास का कलंक मिटाना था, तो उन लोगों ने 14 लाख रुपए रिटर्न किया और 14 लाख रुपए डिमांड ड्राफ्ट DD बना के दास के नाम से अकाउंट पे करके मतलब हमें दिया ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। वो पैसा पूरा हमने जब यहाँ पे अपने खाते में DD लगाई वो पैसा हमारे खाते में आया, हमने घर पे बुला के सबको पैसा जितना था उतना बांट दिया। तो परमात्मा की कृपा से मालिक जो कहते हैं कि 3 ताप के अंतर्गत पूरा संसार दुखी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, 3 ताप में सभी कष्ट आ जाते हैं, चाहे शारीरिक हो या कोई पैसे से लेके हो या कोई देवी देवता कोई ऐसी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तो 3 ताप के अंतर्गत पूरा संसार दुखी है और 3 ताप को कबीर परमेश्वर के अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके सत्य भक्ति करेंगे उनके 3 ताप का नाश हो जाएगा और कोई भी कष्ट हो चाहे शारीरिक हो या कोई पैसे से परेशानी हो या कुछ भी हो, क्योंकि दास जब मालिक से जुड़ा था तो उस समय दास के ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा था, आज लगभग 5-6 लाख रुपए पैसा शेष है देने के लिए, मगर पूरा पैसा क्लियर हो गया है और दास को कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, शारीरिक सुख है, घर में सुख है, पूरा घर उपदेशी है और परमात्मा की दया से सत्य भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा की कृपा से कोई परेशानी नहीं है उसको। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी अगर भगवान होते या सच्चे गुरु होते तो वो जेल में क्यों जाते, उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के जो प्रिय संत धर्मदास जी हुए हैं, तो मालिक ने 600 साल पहले धर्मदास जी से कहा था कि जो मम संत सत उपदेश धड़ावे बाके संग सब राड बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करनी धर्मदास में तो से बरनी। परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा कृपा पात्र संत होगा उससे उसकी एक पहचान होगी कि उससे वर्तमान के जो धर्मगुरु होंगे वो सब उससे झगड़ा करेंगे। तो जो आज बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड किया है, इसमें धर्मगुरु हैं जो नकली धर्मगुरु, इन्होंने सरकार को गुमराह करके वहाँ पे जो BJP की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को गुमराह करके और आर समाजियों ने ये बरवाला कांड करवाया है। और जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे किस लगाए हैं इन केसों में, आज गुरुजी को 5 साल हो गया है जेल में, लेकिन एक भी वो गवाह पेश नहीं करा पा रहे और कोई भी केस प्रूफ नहीं कर पा रहे। वो परमात्मा को ये भी दिखाना है कि जो पूर्ण संत होता है वो कैसा होता है, क्योंकि आज नकली धर्मगुरुओं ने पूरे संसार में सभी को गुमराह कर दिया है गलत भक्ति दे के, तो ये पूरा भ्रम मिटाना है संत रामपाल जी महाराज को। और सभी केस, हर केस में सरकार की ही हार होगी और सभी केस जब फाइनल हो जाएंगे तो गुरुजी बाहर आएंगे सबके सामने। जो लोग सर आपको आज देख रहे हैं उनको सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दास की तो प्रार्थना है सभी से हाथ जोड़ के, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, दास की प्रार्थना है कि विश्व में जितने भी चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो समय है ये भक्ति योग है और इस समय संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में पूर्ण संत हैं, उनसे उपदेश लेके और अपना कल्याण करवाएं। सर, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो कैसे जुड़ सकते हैं उनसे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आज परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी है, लगभग 10-12 TV चैनलों पे जो इंटरनेशनल चैनल हैं उन पे गुरुजी के सत्संग आते हैं और सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, जैसे साधना चैनल का जो समय है शाम को 7:30 से 8:30 और भी TV चैनल 10-11 उनका समय नहीं है दास को पता, लेकिन सभी सत्संग में नीचे पट्टी चलती है उसमें मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगा के और आप जी को मतलब ये पता बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीक में नामदान सेंटर कहाँ पे है, वहाँ पे जाके आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके और अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।